कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं हम आप सभी के लिए कोई न्यू लोग। हमारे न्यू लोग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आज घटा सी हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है काफ़ी सुबह से। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश अभी से ही पड़ने लगे, लेकिन पड़ने की तो है ही नहीं अभी, लेकिन मौसम बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे हवा सी चले, तूफान सा आए। और हम तो अभी सो के उठे थे क्योंकि हमारा स्कूल न जाने के था। एक तो फ़ायदा हो रहा है कि हाँ, हम टाइम से मतलब कि लेट तो सो के उठ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने जो है ना स्कूल छोड़ दिया है। अब हम स्कूल नहीं जाया करें, तो इसलिए अब हमें तो नींद नहीं पूरी हो रही, वरना पता सुबह सुबह स्कूल में उठ के जाना पड़ता था। सर्दी लगती थी बहुत ज़्यादा, इतनी सर्दी में स्कूल गए हम, बहुत ज़्यादा सर्दी में। तो दोस्तों मौसम आज अच्छा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, पर धूप तो निकल नहीं थी। कल तो धूप निकली हुई थी, वो भी हल्की हल्की निकली थी, लेकिन ज़्यादा नहीं निकली थी दोस्तों। तो दोस्तों आज इस व्लॉग में हम बनाने वाले हैं हरे बैंगन की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो आप लोग हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप ही देख के बताओगे कि वीडियो कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मैं तो बनाने वाली हूँ, देखने वाले आप हो। आप लोग ही मेरी वीडियो में कमी बताओगे और अच्छा ही बताओगे। मुझे पता तभी तो चलेगा जब आप लोग बताओगे, और तभी मैं उस कमी को पूरा कर पाऊँगी दोस्तों। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मजे किए वहाँ पर, यहाँ से आते थे हम रात को 3-3 बजे सोते थे, दो
जैसी चीज का नाम सुनाई देता है तो, लेकिन मैंने वो चीज देखी नहीं। वहाँ कोई बात नहीं, एक दिन 10 रुपए देके वो घूम के आई है वहाँ पे जाके। आलू अच्छे हैं, बस ऐसी ही मैं कर दूँ कि ऐसे छिल जाते हैं। और वो जो पुराने आलू जो होते हैं उनको तो इतना मोटा मोटा छिलका उतारना पड़ता है। आप लोग बोलते हो कि आप अपनी बहन को भी अपनी वीडियो में लाया करो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उसका चैनल है किप्पू ऑफिशियल के नाम से है, तो आप उस पर जाके सर्च मार सकते हो। तो वो ना है कि वो डांस की वीडियो बनाती है, तो इसलिए वो मेरी वीडियो में नहीं आ पाती। और हमारे दुकान पर है और उनकी दुकान पर भी बैठना पड़ता है, तो इसलिए मुझे अकेले कोई वीडियो बनानी पड़ती है। आप उसका डांस का चैनल है तो आप उस पर उसकी वीडियो देख सकते हो। और हाँ, अपनी मर्जी बताया करो कि मतलब उससे कैसी वीडियो बनवानी है आपको, कैसी नहीं। तो इसलिए वो ये वीडियो ब्लॉग्स इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि उसे दुकान पर बैठना पड़ता है, तो डांस की वीडियो बनाती है बस वो। अब तो उसने डांस की वीडियो भी डालनी बंद कर रखी है। तो ये बात तो मैं मुझे पता नहीं चला कि कब मैं कटी है, मैं इस बात को लग रही है। और बस अब मैं सब्जी धो के ले आती हूँ। पहले तो मैं पतीली को भी लेके चलूँ, मैं मछली एक साथ में धो के लूँगी। पूरी बाजू में थोड़ी पहनना बेकार ही है ये, फिर जब पानी में काम करते हैं तो बाजू धुल जाती है। हमारे यहाँ तो सर्दी में पानी थोड़ा हल्का गर्म गर्म सा निकलता है कि मतलब थोड़ा सा नल ज़्यादा चला लो तो गर्म सा निकलने लगता है, कि ऐसे निकलता है कि नहा तो इसमें गर्मी में बहुत ही ठंडा पानी निकलता है यहाँ का। ये मिट्टी वाले आलू होते हैं ना, तो इन्हें अच्छे से धोना पड़ता है कि इससे किरकल ना लगे सब्जी में। और मम्मी मेरी मुझे पीस के गई थी, ये मम्मी ने मेरा पीस के रखा थी। मम्मी भी हमारी बहुत प्यार करती है हमारा, ये बेचारी खुद से पीस के चली गई जब तक तो मैं सोई थी। ये मम्मी ने सब कुछ इसमें पीस कर रखा है, धनिया वगैरह प्याज वगैरह सब कुछ इसमें मिक्स कर रखा है। आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, आप लोग साथ हो, आप लोगों का साथ सपोर्ट मुझे आज यहाँ तक लेके आया है। देखिए हमारा ये है ना तेल जो है ये गर्म हो गया, मैं मसाला डाल दूँ इसमें। के लिए रख दिया, जब ये बन जाएगी हम आपको दिखा देंगे कि सब्जी कैसी बनी है। जब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो में
बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये हमारी आलू बैंगन की सब्जी बनके तैयार है, देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब